फरीदाबाद के वल्लभगढ़ की अनाज मंडी में धान और कपास की खरीद के लिए मार्केट कमेटी ने उचित प्रबंध किए हैं। कोविड-19 के चलते आढ़तियों को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था रखने को कहा गया है। मंडी में फसल उतारने के बाद किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मंडी के बाहर खड़ा करवाया जा रहा है ताकि भीड़ एकत्रित न हो। कोविड-19 चल रहा है, उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी जरूरी है, तो उसके लिए हमने सारे आढ़तियों को दिशा निर्देश दे दिए कि वो अपनी आढ़त पे कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क वगैरह सैनिटाइज उपलब्ध करवाएं। जो भी किसान आता है थोड़ा उनको दूर दूर बैठाएं, और किसानों को भी बोला है कि अपनी फसल को उतार कर और अपने ट्रैक्टर ट्रॉली बाहर खड़ा करें, जिससे कि भीड़ ना हो, कोई भी अव्यवस्था ना फैले मंडी में। मंडी में धान लेकर आए किसानों ने बताया कि उनका धान न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक कीमत पर खरीदा जा रहा है, जिसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करते हैं। बढ़िया रेट मिल रहे हैं, धान लेके आए हैं आज हम, तो उसका रेट बढ़िया मिल रहा है। अभी बोली लगेगी वैसे थोड़ी देर में, तो उसके बाद पता पड़ेगी। बाकी रेट सही है, वैसे सुविधाएं मिल रही हैं, सारा न्यूनतम प्राइस मिल रहा है और उससे ऊंचा ही मिल रहा है। सरकार का धन्यवाद करते हैं, और रेटों पे थोड़ा ध्यान रखे सरकार तो आगे भी सही चलता रहेगा रेट। अगर ढीला इन्होंने छोड़ दिया तो मंदा आ जाएगा। ये MSP पे से फालतू दामों में जा रहा है, सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सही रेट मिल रहे हैं, बोली पे माल बिक रहा है और कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। पर 1980-85 तक बिक रहा है माल, सही जा रहा है। हाँ, सही जा रहा है।